सो हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज आर्टिकल्स। अगर आप सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या मिलिट्री स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लेक्चर्स आएंगे वन बाय वन, तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं। और आर्टिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कि सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है उसके अंदर आर्टिकल, टेंसेज और फुल ग्रामर तो है ही है, इसके अलावा वोकेबलरी का सेक्शन भी है। तो वो सारा का सारा सिलेबस आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। तो इसके बाद जितने भी लेक्चर्स आते हैं वो आपको ध्यान से देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी। माई नेम इज़ अजय शर्मा एंड आई एम फ्रॉम एक्सेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट हिसार। सो इफ यू वॉन्ट टू स्टडी हियर, अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट पे, देन यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज एन आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या होता है, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम आर्टिकल की। तो आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल है इसका? ये किसी भी सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। ठीक है, ये आता क्यों है? ये नाउन के लिए आता है। जब भी किसी सेंटेंस में आएगा किसके लिए आएगा? नाउन के लिए। नाउन तो आपको पता ही है, व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसको हम नेमिंग वर्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नेमिंग वर्ड के नाम से भी। ठीक है, तो आर्टिकल आपको पता है कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट को बोलते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल एंड दूसरे को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट के अंदर कौन कौन से आते हैं? ए और एन आते हैं। इंडेफिनेट के अंदर कौन से आते हैं? ए और एन। और डेफिनेट के अंदर कौन सा आता है? द आर्टिकल आता है। ठीक है, तो ये सब कुछ तो आपको पता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं कि जो इंडेफिनेट हम यूज करते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल, उसके अंदर क्या आता है? ए और एन। और डेफिनेट के अंदर क्या आता है? द आता है ना, ये तो आपको पता है। तो ए और एन का यूज हम कैसे करते हैं? जब भी वोवल आए, ए आई ओ यू की साउंड आ रही हो, है ना, मैं कह रहा हूँ इसकी साउंड आ रही हो, ना कि ये वर्ड क्या आ रही हो, इनकी साउंड आ रही हो, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? उस केस में हम क्या यूज करेंगे बताओ? शाबाश, जब इनकी साउंड आएगी तो हम एन का यूज करेंगे। वोवल की साउंड के साथ एन का यूज करो, कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ ए का यूज करो। अब जिन बच्चों को नहीं पता, वोवल जो हिंदी मीडियम से, इन हिंदी मीडियम से है, मैं आपको बता दूं कि इसको बोलते हैं स्वर। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? व्यंजन। ठीक है, तो अगर आपको स्वर की साउंड आती है, वोवल की साउंड आती है, तो वहां पर हमें लगाना होता है एन। और अगर आपको कॉन्सनेंट की साउंड आती है तो वहां पर आपको क्या लगाना होता है? ए लगाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा डैश एप्पल, तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा? सबको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा? एन। बट आपको कुछ इस पैटर्न से इसको पढ़ना चाहिए। जैसे एप्पल है, तो एप्पल को हम कैसे लिखेंगे? पहले ए लिखेंगे, फिर एप्पल है, कुछ इस टाइप से लिखते हैं ना। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? स्वर, है ना, जिसको स्वर बोलते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे। और इसको आप क्या बोल सकते हो? वोवल। तो इसके लिए हमने क्या लगाया? ए की साउंड आई, इसीलिए तो हमने लगाया ना इसको। तो जब भी ए की, ई की, आई की या ओ या यू की साउंड आएगी तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ओके, अब द का यूज कब होता है? सिंगुलर और प्लुरल दोनों केसेस में ही हो सकता है। देखो, ए और एन का यूज तो कहाँ हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए, जो सिंगुलर थे, एकवचन थे। लेकिन द का यूज सिंगुलर और प्लुरल, यानी एकवचन और बहुवचन दोनों के लिए किया जा सकता है। बट दैट नाउन शुड बी स्पेसिफिक। नाउन क्या होनी चाहिए? वो स्पेसिफिक है, तभी हम उसका यूज ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल आता कहाँ है। आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है, बिफोर द नाउन एंड फोर द नाउन। किसके लिए आएगा? आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है, बिफोर मतलब पहले, और उसके लिए आता है। किसके लिए आता है आर्टिकल? हमेशा नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है? नाउन के लिए। ठीक है, तो देखिए, रूल नंबर वन हमें गिवन है। सबसे पहले हम आर्टिकल का, जब हमने जिक्र किया था, मैंने बताया कि एक तो ए होता है, एन होता है, वो आते हैं इंडेफिनेट के अंदर, और जो द आता है वो आता है डेफिनेट के अंदर। तो हमने पढ़ा था कि कॉन्सोनेंट की साउंड अगर आ रही होगी तो क्या लगाएंगे? यस, ए लगाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि अ बुक, तो ब की साउंड आ रही है, बुक बोलते टाइम हम क्या लिखते हैं? ब उ क बुक, है ना, ऐसे लिखते हैं, तो पहले ब आता है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ए, अ मैन। ओके, लाइक दैट। ए इज यूज बिफोर सम इंडेफिनेट नंबर, कुछ इंडेफिनेट नंबर के साथ में भी ये यूज किया जाता है। जैसे कि अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ हाफ ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, इन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। ठीक है,
ऐसे कोई भी आपको इनडेफिनेट नंबर्स दिखे ना, लोट ऑफ जिसका मतलब था बहुत ज़्यादा, अ नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा संख्या में, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ हाफ ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, है ना, ऐसे वर्ड दिखेंगे तो उनके आप साथ क्या लगाने वाले हो, ए आर्टिकल लगाओगे। ओके, ऐसे ही अगर आपको दिखता है क्या, जैसे कि कलेक्टिव नाउन जो होती है, क्या होती है कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स कौन सी होती है, जो ग्रुप में होती है ना, कौन सी होती है कलेक्टिव नाउन्स, जो रहती है ग्रुप के अंदर, और जो ग्रुप में रहती है उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे बताओ, शाबाश, उसके साथ में भी हम ए का यूज़ करेंगे, जैसे कि अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, अ गैंग ऑफ घोस्ट, अ फोल्क ऑफ बर्ड्स, अ हर्ड ऑफ शीप, है ना, इनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। तो ऐसी कलेक्टिव नाउन जब कभी भी आएंगी तो उनके साथ ए का यूज़ करेंगे, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, अ गैंग ऑफ घोस्ट, अ फोल्क ऑफ बर्ड्स, अ हर्ड ऑफ शीप, है ना। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं, और वो कलेक्टिव नाउन वाले जो है ना वो थोड़ी अलग तरीके से पूछ लेते हैं, कलेक्टिव नाउन का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, जैसे कि ऐसे पूछते हैं अ गैंग ऑफ घोस्ट कोमा, ऐसे लगा के फिर पूछेंगे, डैश ऑफ शीप। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर घोस्ट की ग्रुप को गैंग बोलते हैं तो शीप के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो इफ एन एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन, अगर एक सिंगुलर नाउन आता हो और बीच में अगर एडजेक्टिव आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताने के लिए आता है, जैसे स्टूडेंट कैसा है, गुड है, तो बीच में अगर गुड आ गया जो कि एक एडजेक्टिव है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, नाउन से, क्योंकि आर्टिकल हमेशा किसके साथ लगता है, नाउन के साथ लगता है। जैसे कि She is a very good player. तो यहाँ पे very जो है वो एक adverb है, ये good जो है वो एक adjective है, और player जो है वो एक noun है, है ना। तो यहाँ पर article लग गया इससे पहले, तो sequence ऐसा रहेगा, article आएगा, फिर adverb आएगा, फिर adjective आएगा, फिर noun। लेकिन article ultimately आ किसके लिए रहा है, noun के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, noun के लिए आ रहा है, ठीक है ना। Okay. Next करते हैं जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास कि अगर हमें कहीं पे भी यूज़ करना हो, किस चीज़ के लिए यूज़ करना हो, लाइक हम कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल इसमें मैंगोज दिए हुए हैं कि मैंगोज 100 रुपये पर किलो बेचे जाते हैं, कैसे बेचते हैं, 100 रुपये पर केजी, तो 100 रुपये पर केजी जब हम बोल रहे हैं तो वहाँ पर केजी की बजाय आप अ किलोग्राम भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अ किलोग्राम भी लिख सकते हो, समझ में आया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंगोज आर सोल्ड एट 100 रुपीज पर किलोग्राम, क्या लिखा गया है, 100 रुपीज पर किलोग्राम लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 100 रुपीज पर किलोग्राम। तो इसकी जगह हम पर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, पर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चीज का आप स्पेशल ध्यान रखें कि पर की जगह आप ए भी लिख सकते हैं तो भी सही होगा, तो ऐसी जगह भी आर्टिकल लग जाते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं होल क्लास की, पूरी की पूरी क्लास की, कॉमन क्लास की, जैसे कि मैं बात करता हूँ बर्ड्स की, ऑल बर्ड्स हैव टू विंग्स, जितने भी पक्षी हैं उनके कितने होते हैं, 2 विंग होते हैं, कितने होते हैं, 2 विंग्स होते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा 2 विंग्स होते हैं, तो मुझे क्या लिखना जरूरी है, ऑल बर्ड्स, ऑल बर्ड्स की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, अ बर्ड भी कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, अ बर्ड भी कर सकता हूँ। इफ वी यूज आर्टिकल ए बिफोर अ प्लूरल नंबर, अगर हम आर्टिकल ए एक प्लूरल नंबर के सामने यूज करते हैं तो आगे आने वाला नाउन क्या हो जाता है, सिंगुलर। जैसे कि अ 5-day match, देखो मैच कितने दिन का है, 5 दिन का है, लेकिन मैच तो एक ही है ना, अ 5-day match हो जाएगा। अ 2-mile walk, कितनी, 2 mile की वॉक है, 2 mile की, लेकिन वॉक तो एक ही है ना, है ना, तो इस टाइप से इनका यूज किया जाता है। आई होप इट क्लियर्स यू, आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको इस में कोई भी डाउट आ रहा हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा बहुत जल्द, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास, ए इज यूज्ड, ए का जो यूज होता है, ए इज यूज्ड बिफोर दीज वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवल। देखो कई बार क्या होता है, वोवल से स्टार्ट होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, है ना, उनके साथ भी कई बार क्या होता है, ए का यूज कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर जो साउंड है ना, यू की जो साउंड आ रही है वो
वोवल की ना आके किसकी साउंड आ रही है, वो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, क्योंकि सिस की साउंड आ रही है वो यहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। अगर ऐसे ऐसा कोई भी केस हो तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जो हिंदी में लिखना चाहते हैं उनको तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे यूनिवर्सिटी को हम कैसे लिखते हैं, यह और फिर लिखते हैं उ, तो सबसे पहले क्या आता है यह, तो यह के साथ में क्या लग जाएगा, ए लगेगा ना। तो अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिक फिल्म, अ वन रुपी नोट। अब देखो साउंड किसकी, इसकी वन की है, तो आप इसको ये मत देखना कि इसके अंदर ओ आ रहा है, आप क्या देखना कि इसकी साउंड कैसी आ रही है, व की आ रही है, और व क्या होता है, व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि अगर आपको ऐसी साउंड मिले ना ए आ ई, ये वाली जो साउंड मिलती है, तो आपको किसका यूज़ करना है, एन का यूज़ करना है। और अगर आपको ऐसी साउंड मिले क ख ग, ये वाली साउंड मिले, तो हमें किसका यूज़ करना है, ए का यूज़ करना है, जिसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ये कॉन्सोनेंट्स हैं और ये वाले वोवल्स हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ओके। तो नेक्स्ट गिवन है कि अगर आपको ऐसे वर्ड दिखें कहीं पे भी, ये नेक्स्ट रूल गिवन है कि नाउन इज प्लेस्ड आफ्टर सच, हाउ, रेदर, क्वाइट, अगर ये ऐसे वर्ड्स आते हो तो इनसे पहले हमें ए आर्टिकल का यूज करना होता है। आई हैव नेवर सीन सच पेंटिंग इन माई लाइफ, तो क्या लिखना पड़ेगा, आई हैव नेवर सीन सच अ पेंटिंग इन माई लाइफ टाइम, ओके। ऐसे अगर हाउ, रेदर, क्वाइट, ऐसे अगर आपको वर्ड्स मिले तो उनके साथ आपको क्या यूज करना है, उनके बाद में क्या यूज करना है, ए का यूज करना है। फिर से बता रहा हूँ, सच, हाउ, रेदर, क्वाइट, अगर ये वाले वर्ड मिले तो इनके बाद में क्या लगाने वाले हो, ए लगाओगे इसके बाद में, ठीक है। नेक्स्ट रूल पढ़िए क्या कहता है, इफ दीज वर्ड्स लाइक नॉइज, लाई, होल, हेडेक एटसेट्रा आर यूज एज सिंगुलर, इनको अगर सिंगुलर की तरह लिया जाए तो इनके साथ में हमेशा क्या लगेगा, ए लगेगा। जैसे मेक अ नॉइज, ओके, ही हैज अ हेडेक, उसको सरदर्द है, ही इज टेलिंग अ लाई, टेल अ लाई होता है, ही इज टेलिंग लाई नहीं होगा, क्या होगा, टेलिंग अ लाई होगा, हमेशा ध्यान रखना, ही टेल्स अ लाई, अ लाई, क्लियर। और दूसरी बात, एक और चीज भी ध्यान रखनी है, कुछ फ्रेजेस होती हैं, फ्रेजेस क्या होती है आपको पता है, जो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस देता है उसको तो बोलते हैं सेंटेंस, और जो कंप्लीट सेंस नहीं देता उसको क्या बोलते हैं, फ्रेज, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। जैसे कि मेक अ फन, मेक अ फन, जिसका मतलब होता है मजाक उड़ाना, मेक अ फस, इसका मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना, राय का पहाड़ बनाना, मेक अ फस। तो मेक और टेक से स्टार्ट होने वाली जितनी भी फ्रेजेस होंगी उनके इस बीच में क्या लगेगा, ए लगेगा। जैसे कि टेक अ रेस्ट, टेक अ टेस्ट, इनके बीच में यहां पर क्या लगेगा, ए का यूज होगा, ठीक है ना। वी यूज एन, हमें एन का यूज, अब देखो हमने ए का यूज पढ़ा, अब हम बात करते हैं एन का यूज। एन का यूज तब करेंगे जब स्टार्टिंग में वोवल की साउंड आ रही हो, ध्यान रखिएगा, वोवल वर्ड नहीं कह रहा मैं, वोवल की साउंड कह रहा हूं बार बार, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये वाले जो वर्ड है ना आपको दिख रहे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू वाले जो वर्ड्स आ रहे हैं, ये वर्ड्स जब कभी भी, ये वर्ड जब कभी भी आए तो एन नहीं लगाना, इनकी साउंड आए तो लगाना है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे वन आया मान लो, तो वन के आगे तो क्या लगेगा, अ वन रुपी नोट, ऐसा नहीं लिखते हम, अ वन रुपी नोट, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया जाता है कि वन रुपी के साथ में क्या लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे, अ वन रुपी नोट लिखेंगे। तो वन किसके लिए लग रहा है, किसके लिए लग रहा है बताओ, शाबाश, वन के लिए लग रहा है, किसके लिए लग रहा है, वन के लिए। मैं जैसे मैं लिखूं डैश यूनिवर्सिटी, क्या लिखा मैंने, डैश यूनिवर्सिटी, तो यहां पर क्या आना चाहिए, अ यूनिवर्सिटी आएगा। मैं लिखता हूं डैश यूनिक मैथड, तो अ यूनिक मैथड लिख सकते हो, क्योंकि साउंड यहां पर किसकी आ रही है, यह की। तो आप इन वर्ड्स पे मत जाइए, इनकी साउंड पे जाइए, तभी मैं आपको कहता हूँ कि इसको हिंदी में लिख के अगर करोगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे कि यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो यह की साउंड आती है, यूनिक बोलते हैं तो किसकी साउंड आती है, यह की, और ये सारे व्यंजन होते हैं इनके साथ ए लगता है, क्लियर। तो यहाँ पर किसकी साउंड आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है, तो क्या लगाएंगे, रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पर किसकी साउंड आ रही है, वोवल की, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। नेक्स्ट है जी, अब कई बार H गिवन होता है और वहां पर साउंड कैसी आ रही होती है, बताओ कैसी साउंड आ रही होती है, वोवल की साउंड आ रही है। जैसे ऑनेस्ट, H यहाँ पे साइलेंट है तो ऑनेस्ट बोलते हैं, तो क्या आएगा, एन ऑनेस्ट मैन,
एन आर, एन एयर, एन ऑनरेबल, क्लियर। तो यहां पर हम एन का यूज करेंगे। जब कभी भी आपको ऐसे वर्ड दिखे लाइक इफ एच एल एम एन एन ये एक्स आर द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रीविएशंस देन एन बिफोर देम, तो देखो इतना रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम सिंपल वे में समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा डैश एम ए, ये एब्रीविएशंस होती है ना, शॉर्ट फॉर्म्स जिनको हम बोलते हैं। अगर आपको ऐसे दिखाई दें, ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स दिखाई दें, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए बताओ? उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम इसको हिंदी में लिखेंगे। सबसे इजी तरीका, जो भी आपको ना आए उसको हिंदी में लिख के देख लो, आपके लिए इजी पड़ेगा। शुरू शुरू में लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको हैबिट हो जाएगी, आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा। जैसे मैंने लिखा एम, तो एम के अंदर सबसे पहले क्या आता है? ए आता है। क्या आता है? ए आता है। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? एन एम ए लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे साउंड कैसी लग रही है? ए लग रही है। तो आप इनको डायरेक्टली रट्टा मारने की बजाय ऐसा करके देख लें। जैसे मैंने लिखा एम एल ए, तो एम एल ए को हिंदी में कैसे लिखेंगे? एम, फिर लिखेंगे एल और ए, है ना। तो सबसे पहले जो ए यहाँ पर दिख रहा है, ये कौन सी साउंड दे रहा है? एम एल ए कैसी साउंड दे रहा है? ए दे रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक है ना। तो एन एम एल ए दिया है, तो यहाँ पर हमने साउंड कैसी देखी? सबसे पहले साउंड जो आ रही है वो एक ही आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमने एन लगा दिया। ओके, अब मान लो मैं लिखता हूँ एस एच ओ, एस एच ओ, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे बताओ? सबसे पहले इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? इसको हिंदी में लिखूंगा। एस को कैसे लिखते हैं? एस को ऐसे लिखते हैं, और सबसे पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो मैं क्या लगा दूंगा? एन एस एच ओ, ठीक है। तो जैसे इनको लिखा जाता है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे लिखा एफ आर सी एस गर्ल, तो यहाँ पे क्या लिखा है? एन लिखा है, तो एफ लिखा है, एफ, तो ए की साउंड आ रही है, तो ए क्या आता है? वोवल के अंदर आता है, वोवल के अंदर आता है, तो हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे, ठीक है, क्लियर। ओके, तो दिस इज योर होमवर्क। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, और मैं बिल्कुल जीरो लेवल से करवाया मैंने, तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, ये आपको ट्राई करने हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है आई एम गोइंग टू डैश कॉन्सर्ट, बताइए क्या आएगा? शाबाश, कॉन्सर्ट है, तो अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो इसको हिंदी में लिख ले। कॉन्सर्ट बोलते हैं, सबसे पहले क्या आता है? क की साउंड आती है, और क्या होता है? व्यंजन, व्यंजन, है ना। क्या क्या होता है? व्यंजन, जिसको हम बोलते हैं क्या? कॉन्सनेंट, और कॉन्सनेंट के साथ में क्या लगता होता है बताओ? शाबाश, कॉन्सनेंट के साथ में क्या लगता है? ए लगता है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं ए आ ई ई, ये किसके अंदर आते हैं? वोवल के अंदर आते हैं, है ना, तो इसके साथ में क्या लगता होता है? एन। तो मुझे कौन सी साउंड दिखाई दे रही है? क की साउंड आ रही है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन ए है ना, ए आंसर हो जाएगा। माय बॉयफ्रेंड इज डैश एक्टर, तो क्या आएगा? एन एक्टर होगा। कैसे पता लगा? ए बोलते हैं ना हम सबसे पहले। हर कजन हैज डैश वेरी गुड जॉब, अ वेरी गुड जॉब, ठीक है, ये मैंने थोड़ा इजी दिया है, धीरे धीरे आगे लेवल बढ़ता जाएगा। आगे गिवन है डैश विलियम शेक्सपियर वॉज अ लेजेंड नो वन कैन फॉरगेट, अब इसमें क्या आएगा? अ विलियम शेक्सपियर या द विलियम शेक्सपियर या फिर एन विलियम शेक्सपियर, इसमें से बताओ क्या आएगा? क्या आना चाहिए? सोचो, शाबाश। तो जब हम किसी का नेम लिख रहे होते हैं ना, किसी भी नाउन ऐसी जिसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं, तो नाम के साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। ये आपको आगे करवाया जाएगा आगे के लेक्चर्स में। आज के जो लेक्चर में हमने किया है वो कुछ पार्ट किया है आर्टिकल का, अभी पार्ट सेकेंड आएगा, फिर पार्ट थर्ड आएगा, वो सारे के सारे पार्ट्स देखें, उसके बाद में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो नहीं आएगा, ठीक है। आप इजीली हर उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओमिजन ऑफ आर्टिकल्स के लिए स्पेशल लेक्चर रहेगा। ओमिजन का मतलब होता है कहाँ आर्टिकल्स नहीं लगते, जैसे यहाँ पर नहीं लगा अभी, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए आंसर था। और क्वेश्चन नंबर 5 का आप आंसर जो है वो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, देखते हैं किसका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन है दीपक प्लेज डैश गिटार वेरी वेल, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रूल लगा है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, और इसका आंसर भी नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा। तब तक आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तो लेक्चर सेकंड बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा आपके लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।